हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिशनल तीज मेकअप लुक शेयर करूंगी। अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो आप तीज पर करवा चौथ, दिवाली एंड गणेश चतुर्थी, किसी भी इंडियन फेस्टिवल में इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से रेडी होंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पर्पल का गोल्ड प्राइमर लिया है। प्राइमर लगाने से आपके पोर्स फिल हो जाते हैं, आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये आपके मेकअप को स्टिक करके रखता है। एंड प्राइमर लगाने के बाद मैंने एलेगल का पीच करेक्टर लिया है। इसे मैं डार्क सर्कल पे अप्लाई करूँगी, जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ पर अप्लाई करूँगी। और इसे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। एंड फाउंडेशन के लिए मैंने एलेगल का प्रो कवरेज फाउंडेशन लिया है। 2-3 पम्प मैंने अपने हाथों पे लिया है। फिर मैंने इसमें NYB स्ट्रोक क्रीम मिक्स की है एंड मैं डॉट डॉट करके इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। और जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इसी तरह से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें, इससे आपका फाउंडेशन ज़्यादा नहीं लगेगा। एंड इसे ब्लेंड करने के लिए मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, इसे मैंने गीला करके स्क्वीज कर लिया है। और इसी से मैं लाइट हैंड से इसे ब्लेंड करूँगी। और आपको फाउंडेशन को अच्छी तरह से टाइम देकर ब्लेंड करना है, ताकि आपका मेकअप जो है वो पैची ना दिखे, केकी ना हो। एंड आप देख सकते हैं कितना फ्लॉलेस दिख रहा है बेस। एंड कंसीलर के लिए मैंने NYB का कंसीलर लिया है, इसे मैं अपने अंडर आइज पे लगाऊंगी। एंड हाई पॉइंट्स पे मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी, जैसे ब्रिज ऑफ द नोज, और फोरहेड पे अप्लाई करूंगी, चिन पे अप्लाई करूंगी एंड चीक बोन्स के नीचे भी मैं अप्लाई करूंगी। और इसी फाउंडेशन को मैं अपने आईलेट पे भी अप्लाई करूंगी एज अ आई शेडो बेस। और इसे भी मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। और कंसीलर के बाद मैंने लिया है NYB का डार्क कलर कंसीलर, इसे मैं कॉन्टोर के लिए यूज़ करती हूँ। इसे जस्ट चीक बोन्स पर अप्लाई किया है एंड जॉ लाइन पर अप्लाई किया है, फॉरहेड पे अप्लाई किया है एंड ब्रश की हेल्प से मैंने नोज पे अप्लाई किया है। और इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूँगी। सो फ्रेंड्स, अब हमारा बेस मेकअप कंप्लीट हो चुका है। इसे फिक्स करने के लिए मैंने ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर लिया है और उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लेके डैब डैब करके इसे अच्छे से सेट कर दिया। एंड मेबिलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, इसे मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। इससे आपका बेस मेकअप लॉक हो जाएगा, आपका मेकअप काफ़ी फ्लॉलेस भी दिखेगा। और अब चलते हैं आई मेकअप की तरफ। उसके लिए मैंने आईब्रो पैलेट लिया है मास्क का, उसमें से ब्लैक एंड ब्राउन शेड लेके मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। और इसी में आपको ब्रश भी मिल जाता है, जिससे आप अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हैं। अब मैंने स्विस ब्यूटी का पैलेट लिया है, आईब्रो पैलेट, इसमें से मैंने पीची पिंक शेड लिया है, उससे मैं अपनी क्रीज को ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के लिए मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और अपनी आउटर वी पे मैंने ब्राउन शेड अप्लाई किया है, जस्ट आईज़ को डेप्थ देने के लिए। फिर मैंने शिमर ग्रीन शेड लिया है, उसे मैं पूरे लिड पे अप्लाई करूँगी। उसके लिए मैंने एक छोटा ब्रश लिया है। फिर मैंने गोल्डन ग्लिटर लिया है, उसे मैं आई लिड के मिडल में अप्लाई करूँगी फिंगर की हेल्प से। फिर मैंने एक लाइट ग्रीन शेड लिया है, उसे मैं अपने आउटर इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी, उससे आपके इनर कॉर्नर काफ़ी हाईलाइटिंग दिखते हैं। एंड मैंने ब्लू हेवन का आईलाइनर लिया है, बहुत ही थिन और पतला मैंने आईलाइनर ड्रॉ किया है। फिर अपर वाटर लाइन पे और लोअर वाटर लाइन पे मैंने काजल अप्लाई कर लिया है, ब्लू हेवन का काजल मैंने लिया था। फिर मैंने मेबिलिन का कॉलरफुल मस्कारा लिया है। एंड अब हम आईलैश अप्लाई करेंगे फॉल्सेस। एंड मैं अभी तक ऑफ कैमरा ही जाके फॉल्सेस अप्लाई करती थी, मैंने फर्स्ट टाइम ही कैमरे के सामने फॉल्सेस अप्लाई किए हैं। अब मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट लिया, इसमें से मैंने पीच ब्लश अप्लाई किया है ब्रश की हेल्प से। अगर आपका ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई हो जाए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसे डैप डैप कर सकते हैं, उससे बिल्कुल फिनिश अच्छी हो जाती है। अब मैंने वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है और उसे मैं हाई पॉइंट्स पर अप्लाई करूँगी। उसके लिए मैंने फैन ब्रश लिया है, उसे मैंने ब्रिज ऑफ द नोज पर लगाया है एंड चिक बोन्स पर लगाऊँगी, चिन पे लगाऊंगी एंड ब्राउ बोन पे भी मैंने अप्लाई किया है। और अब मैंने लिप को फिल करने के लिए मास्क का ब्राउन लिप लाइनर लिया है। अगर आप कोई न्यू शेड अप्लाई करते हैं तो अपनी लिप्स को पहले आउटलाइन ज़रूर कर लें, इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है लिप्स का और आपके लिप्स भी प्लम्प दिखते हैं। और मैंने मेबिलिन की लिपस्टिक ली है न्यूड शेड,
फ्रेंड्स, अब मैंने ज्वेलरी डाल ली है और मैंने स्लीक लो बन किया हुआ है, उस पर मैंने गजरा लगाया है आर्टिफिशियल। एंड सारी ज्वेलरी जो है उसका मैं लिंक आपको नहीं दे पाऊँगी क्योंकि सारी मैंने लोकल स्टोर से ही ली है। तो फ्रेंड्स, अब मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ये लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड काफ़ी सारे अभी फेस्टिवल बैक टू बैक आने वाले हैं, आप किसी भी फेस्टिवल में इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय बाय।